विगत वर्षों में आरपीएससी कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान शर्मसार हुआ और इसमें मेरा सवाल था। और ये सरकार जब बनी भारतीय जनता पार्टी की तब डाक साहब से लेकर कई आपके लोकसभा के अंदर भी कई बार मामले उठे थे, मैं देखता था इनके सांसद कई रीट का मामला हो, चेकिंग ग्रेड का मामला हो, कई दूसरे मामले, उनकी सीबीआई जांच की हमेशा डिमांड करते थे कि सीबीआई जांच करो। और जैसे ये सरकार बनी तो इन्होंने एसआईटी का गठन किया, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा भर्तियाँ हैं जिनकी एसआईटी जांच करेगी। और एसआईटी की जांच का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया, वीके सिंह को, एडिशनल डीजी को, जो आरपीएससी के अंदर लगातार 5 साल से इंटरव्यू देने जाते थे। ये मामला मैंने उठाया और मेरा सीधा सीधा सवाल था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो नौजवानों ने उनको वोट दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया, कांग्रेस के आला नेता मुख्यमंत्री ऑफिस तक साथ जुड़े थे। मैंने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी का हमने घेराव भी किया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव भी किया था, जाड़ोली को बर्खास्त किया मुख्यमंत्री ने, लेकिन एसओजी ने क्लीन चिट दे दी बाद में। तो ये हमारी मांग थी कि जो बड़े मगरमच्छ मछली है तो पकड़ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़े मगरमच्छ है, बड़े ब्यूरोक्रेट है, जिन नेताओं पर आरोप लगे थे, जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे, ये सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये मांग मेरी थी कि इन तमाम मामलों की सीबीआई जांच करे, एसआईटी गठन से कुछ भी नहीं होगा। एसआईटी का गठन भी आपने कर दिया, लेकिन 40 दिन के अंदर एसआईटी ने किसको बुला के पूछताछ करी बताओ मुझे, एक भी बड़े व्यक्ति को बुला के एसआईटी ने पूछताछ नहीं करी। और संजय श्रोत्री जो आरपीएससी के चेयरमैन है, जो मुख्यमंत्री के यहाँ बड़े पुलिस के अधिकारी थे, और करीब करीब ये कहते क्या कर लेंगे, मेरा सारा पुलिस मुख्यालय मेरी जेब के अंदर है। तो हम सब लोगों ने मांग करी राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, ये भारतीय जनता पार्टी को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। मेरे पास एक कागज भी है, ये शिवा शर्मा जो 2018 के अंदर तहसीलदार बने थे, इनके जब आपके ये शिव सिंह राठौर चेयरमैन बने इसमें कार्यवाहक, तब इन्होंने कहा मैं आपको एसडीएम बना दूंगा। और देखिए ये मेरे पास कॉपियां भी है, मैं टेबल भी करूंगा ले जाकर आपको बताने के लिए आया था। इनको नोट अटेम्प्ट खाली छुड़वा जाए 21 के अंदर कि आप तो पहला और चौथा प्रश्न पत्र खाली छोड़ो, हिंदी में 146 नंबर दिए, और नोट अटेम्प्ट खाली छोड़ा हुआ एन ए लिखने के बाद उसमें भरवा कर वापिस नंबर मार्किंग हुई है। ये भारी भ्रष्टाचार आरपीएससी के अंदर हुआ बिना सीबीआई जांच के। ये काम एक उदाहरण मैंने दिया है तो जरूर सैकड़ों लोग होंगे। मैं तो जब 13, 14, 15 के अंदर था, जब आरपीएससी के भ्रष्टाचार का अभी का गोरान के समय मीडिया ने खुलासा किया था, मीडिया की बदौलत ये मामला बाहर आया था, तब हमने ये भी मांग करी थी कि आरपीएससी के 2005 से लेके और 2015 तक के जितने भी अध्यक्ष उनके रिश्तेदारों की, या जो सेकंड ग्रेड थे, फर्स्ट ग्रेड थे, थर्ड ग्रेड थे, जिनके ग्रेजुएशन में पीजी में सेकंड ग्रेड सेकंड डिवीजन है, वो व्यक्ति आरपीएससी का एग्जाम टॉप कैसे कर सकता है। तो ये जांच सारी होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग हमेशा हम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती। इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नक्शे कदमों में चल रही है। ये जाड़ोली का जो बर्खास्त का मामला था, ये किशोर कर सकता है, मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करता है और एसओजी उनको क्लीन चिट देती है। एक मैं आपको ट्वीट बताऊंगा, देखिए आप, ये शिव सिंह जी ने ट्वीट किया था 18/12/21 को, जब एक चेयरमैन थे, इन्होंने ट्वीट किया था जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज पार्क। और ट्वीट करने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर, जब ये चेयरमैन थे, थोड़े दिनों बाद जब मुख्य परीक्षा हुई 21 की, उसमें ये सवाल आ गया था, 10 में से 10 नंबर इनके लोगों को मिले और बहुत से लोग आ रहे थे पढ़ने के। आप ये बताइए, अरबों खरबों रुपए कमा के जो आदमी अब चले गए, अब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, टिकट मांग लेंगे, तो फिर कैसे आप ये मानोगे, कैसे मिला जुली का खेल, जो मैं आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिले, अगर मिले हुए नहीं होते तो आज सदन के अंदर बीजेपी को ये घोषणा करनी चाहिए कि मैंने इन मामलों की सीबीआई जांच कराएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, पुरजोर तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण में वापिस हम इस मामले को उठाएंगे, और एक बार सड़क पर भी आज हम सड़क पर भी लड़ेंगे, राजधानी को घेरेंगे, नौजवानों के हितों पर कुठारा घात नहीं होने देंगे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है बेनीवाल साहब आपकी? देखिए मेरी रणनीति आगे जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, मैं जवाब जो दिया उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कह रहे थे मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री की तरफ जवाब दे रहे, उन्होंने कहा कि आप एसआईटी के एडिशनल डीजी के साथ बैठ के आप बता दें। अब मैं थोड़ी बात करूंगा बैठ के, ये मेरा काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच कराए, सीधी सीधी हमारी मांग है कि
कि आप दो तीन चार किसी भी तीन चार एग्जाम की सीबीआई जांच करा लो, इसमें नेता भी पकड़े जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के लोग भी पकड़े जाएंगे, और एक बार जब पकड़े जाएंगे तभी खुलासा होगा, तभी आरपीएससी का जो दबदबा था, आरपीएससी की जो इज्जत थी वो वापिस जबी होगी। नहीं तो हर व्यक्ति कहता है कि आरपीएससी भरोसा नहीं, मानव शिक्षा बोर्ड भरोसा नहीं, कर्मचारी आयोग को भरोसा नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, जब सेंट्रल हॉल के अंदर हम बैठते थे, लोकसभा के अंदर थे, तो यूपी बिहार के सांसद मुझसे सवाल करते थे कि हनुमान जी आपके यहाँ 10वीं 12वीं लड़के हमारे यहाँ नहीं कर पाते, तो उनको 10वीं 12वीं कराने की रेट क्या होगी राजस्थान का। ये राजस्थान शर्मसार हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी की 13 से 18 की सरकार भी जिम्मेदार है, कई बढ़ते रद्द हुई, उनकी भी सीबीआई जांच की मांग। हनुमान जी आज मंत्रियों के जवाब में बड़े मुस्कुरा रहे थे सर, आप खुद से या क्या हो रहा था कौन से मामले में? मंत्रियों के जवाब के मामले में नहीं, वो उनका राज्यवर्धन जी का जवाब का मामला था, सही ढंग से दे नहीं पाए, तैयारी के साथ आया तो जल्दी जल्दी में आए होंगे, भूल गए होंगे, तो सही जवाब नहीं दे पाए थे, और कई मंत्री सही जवाब नहीं दे, तो राजेल जी भी आज जिस तरह गुस्से में कर रहे थे वो ठीक नहीं है, विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए, और जिस तरह बार बार डोटा साहब जी को करीब 7-8 बार डांट के बिठा दिया, ये भी गलत है, बार बार डांटना नहीं चाहिए।